हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के जो कि 2019 से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से देखिएगा। 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है सुखवीर सिंह संधु। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली पर। और किस नदी पर बना है? तो ये यमुना नदी पर बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत का पहला युद्ध स्मारक किस राज्य में बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। तो भारत का पहला युद्ध स्मारक नई दिल्ली में बनाया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली पे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप 2019 में 48 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रवीण कुमार ने। और विश्व चैंपियनशिप जो है वो एक चाइनीज मार्शल आर्ट पर आधारित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार जीता इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 से 2019 के लिए किस बैंक ने डिजिधन मिशन डिजिटल पुरस्कार लॉन्च किया या जीता? तो 2018 से 2019 के लिए किस बैंक ने जीता डिजिधन मिशन और डिजिटल पुरस्कार? ये जो आपका पुरस्कार है ये जीता है आपका यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने। और यस बैंक की स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यस बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक की MD और CEO रवनीत गिल को नियुक्त किया गया है। ये इनकी नियुक्ति 2019 में हुई है, इसलिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। यस बैंक के COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? तो वो हैं अनीता पाई। इनकी भी नियुक्ति 2019 में हुई है, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहीं के यहीं याद करवा दिया। भारत का पहला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व श्रव दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट जो डे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया गया? तो किस राज्य को किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया गया। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सोफी बिल्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने हैं दुष्यंत चौटाला। याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार रेलवे में बिहार के उप मुख्यमंत्री पूछ लिए गए थे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर करवा दिया। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करें कि मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। 29वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो 29वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये आयोजित की गई कहाँ पर? चीन के बीजिंग में। और बेसिक में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से सदस्य देश आते हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। और भारत की तरफ से जो भाग लिया था वो लिया था प्रकाश जावड़ेकर ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने किया है फ्रांस देश के साथ समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिलीप पारेख का निधन हुआ ये कौन थे? तो दिलीप पारेख का निधन हुआ ये थे आपके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, निधन तो आप सभी लोग जानते हैं, एक ना एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी मनोहर पारिकर का भी निधन हो गया, वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे पूर्व? तो वो थे आपके गोवा के। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ केयर प्लस बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो हाल ही में IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने हेल्थ केयर प्लस बीमा पॉलिसी लॉन्च की। और
इंडियन ओवरसीज बैंक के जो सीईओ है उनका भी नाम याद कर लो, उनका नाम है करनम शेखर। क्या नाम है? करनम शेखर। बिजनेस वर्ल्ड 40 अवार्ड 40 जीता किसने? बिजनेस वर्ल्ड 40 अवार्ड 40 किसने जीता? तो ये जो आपका जीता है, या इसको इस अवार्ड को बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 अवार्ड है। कौन सा है? 40 अंडर 40 अवार्ड है। ये वरुण जैन ने जीता है, यानी कि ऐसे बिजनेसमैन जिसकी उम्र 40 साल से कम हो और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्षम हुए हों। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 अवार्ड किसने जीता? वरुण जैन ने। देखो, बिजनेस से बा से बिजनेस, बा से वरुण जैन, इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी से याद होगा। हाल ही में किसने वर्ल्ड डेव टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है आपका किसने? पृथ्वी शेखर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसने वर्ल्ड डेव चैंपियनशिप टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? पृथ्वी शेखर ने। और ये जो वर्ल्ड डेव टेनिस चैंपियनशिप है, ये आपकी कहाँ पर हुई थी? ये तुर्की में हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिस डेफ 2019 किसने जीता? तो मिस डेफ 2019 ये पहली भारतीय महिला है, तो इसलिए ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहली भारतीय महिला, इसलिए ही ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। उनका नाम है विदिशा वालियान, और ये उत्तर प्रदेश की हैं, यानी कि पहला ऑप्शंस करेक्ट है। 2021 में पहले फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में पहले फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा चाइना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित होंगे? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 ये आयोजित होंगे अपने देश भारत में, और ये ऐसा पहली बार होगा कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर पहली बार साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ? तो हाल ही में कहाँ पर? लद्दाख में। ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि लद्दाख अभी हाल ही में कौन सा, जल्दी से बता दीजिए, नौवां यूनियन टेरिटरी राज्य बना है, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे, इस बात का बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। मोजाम्बिक के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोजाम्बिक के दोबारा राष्ट्रपति बनी है फिलिप न्यूसी। ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। और मोजाम्बर की राजधानी क्या है? मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईट बनाया? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का जो आयोजन है ये किया गया रियाद में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शंस? पहला ऑप्शंस। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो किस कंपनी को मिला? तो दो कंपनी को मिला है, PGCIL, सॉरी HPCL और PGCIL दोनों को मिला है। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इन दोनों ही कंपनियों को मिला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आप याद कर लीजिए कि महारत्न कंपनियाँ हो गई आपकी 10, ठीक है, नवरत्न कंपनी हो गई आपकी कितनी? 14 उसी, और मिनी रत्न जो होती हैं, मिनी रत्न वो हो गई आपकी 73। तो ये डाटा आप याद कर लीजिए, महारत्न 10, नवरत्न 14 और मिनी रत्न हो गई 73, 73। अब कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो जल्दी से बता दो, अभी हाल ही मैंने आपको बताया 10, 10 महारत्न कंपनियां हैं। क्रिकेट कंट्री दी अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ दी फर्स्ट ऑल इंडिया टीम पुस्तक, जिसको विजडन इंडिया बुक ऑफ द ईयर 2019 चुना गया, किसकी पुस्तक है?
ये क्वेश्चंस आपको दो तरीके से याद करना होगा। पहले तो आप ये याद कर लोगे, क्रिकेट कंट्री दी अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ दी फर्स्ट ऑल इंडिया टीम पुस्तक जो है ये विजडन इंडिया बुक ऑफ 2019 के लिए चुनी गई, समझ गए। और इसको जो इस पुस्तक को लिखा है किसने लिखा, ये लिखा है प्रशांत किदावनी ने। किसने लिखा? प्रशांत किदावनी ने। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।